हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं वो टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप नवंबर मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सभी वैकेंसीज ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ढेर सारी वैकेंसीज आ रही है। तो आगे इस वीडियो में वन बाय वन सभी वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा, किस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, मतलब मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रही है, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे ना, फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसे कि आपको पता ही होगा, 1 नवंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर हम लास्ट 12 मंथ के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक साथ पूरे साल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 1 नवंबर शाम 5 बजे मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसी नंबर 1 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से, जिसके लिए इस बार ऑनलाइन फॉर्म 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 28 दिसंबर 2023 रखी जाएगी। इसका जो एग्जाम एग्जैक्टली कंडक्ट कराया जाएगा वो 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2024 तक चलने वाला है। वेरियस शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके एसएससी ने एग्जाम डेट की जानकारी दी है। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 84,866 रह सकती है। ये टेंटेटिव वैकेंसी की डिटेल है, वैकेंसी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी रह सकती है। जब डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जैक्ट वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि किस फोर्स में कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, इसलिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, 18 से 23 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सभी 10th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी फिर से आपके लिए निकल के आ रही है, 24 नवंबर को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो रेडी रहिएगा। इस बार इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना, खुद को झोंक दीजिए, भले ही आपको डेली 10-10, 12-12, 14-14 घंटे ही क्यों ना पढ़ना पड़े। दोस्तों, अगर आप सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, एनआईए, असम राइफल्स, एनसीबी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक आखिरी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिएगा। बात करते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि निकल के आएगी AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 496 रखी गई है। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रही है वो 1 नवंबर 2023 से ही होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 नवंबर 2023 रखी गई है। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटीएससी फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 30 नवंबर 2023 तक होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने बैचलर इंजीनियरिंग भी पास कर रखी है और किसी सेमेस्टर में फिजिक्स या फिर मैथ सब्जेक्ट आपके पास तो आप इलिजिबल है, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके सभी डाउट डिटेल के साथ क्लियर किए हुए हैं। फाइनली बात करते हैं थर्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में आप जानते होंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट और साथ ही एमटीएस की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 677 निकली हुई है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 315 है। बेस्ट पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर कोई भी एक्सपीरियंस या फिर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया है, इसलिए इस बार एमटीएस की पोस्ट ज्यादा डिजायरेबल बनी हुई है। सबसे ज्यादा लोग एमटीएस की पोस्ट को ही पसंद कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड हैं, साथ ही स्टेट वाइज भी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म इस वैकेंसी के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं, फिलहाल फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2023 रखी गई है। फॉर्म अप्लाई करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एसटीएससी फीमेल्स के लिए 450 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल यहां पर रखी गई है। जो ये आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 13 नवंबर 2023 तक कैलकुलेट होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने सिंपल 10th पास कर रखा है तो आप एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको 3 फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तैयारी शुरू करने से पहले मजा आ जाएगा। एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, बेस्ट बुक वाला वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। एग्जाम नहीं बचना चाहिए क्रैक हुए बिना। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4th के बारे में। ये वैकेंसी भी अभी कुछ ही दिन पहले निकली है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट असम राइफल्स वेरियस ट्रेडमैन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। असम राइफल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। फिलहाल इसके अंदर 161 ट्रेडमैन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। ये वैकेंसीज भी हमारी कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज डिवाइडेड है। फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 19 नवंबर 2023 रखी गई है। इसका जो फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एक तरीके से, वो 18 दिसंबर 2023 को कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है तो फास्ट आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एसटीएससी फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज इन्होंने नहीं किए हैं। एज लिमिट यहां पर 18 से 23 साल रखी गई है जनरल वालों के लिए। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1st ऑफ अगस्त 2023 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 1st ऑफ अगस्त 2000 से लेकर 1st ऑफ अगस्त 2005 के बीच में हुआ है तो आप इलिजिबल है। बाकी ओबीसी एसटीएससी वालों को तो एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटीएससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। पोस्ट कौन कौन सी हमारी, इसमें एक पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है। जो आपकी एक तरीके से रैंक है वो वारंट ऑफिसर की है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सभी 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपने 12th पास किया है तो आप पर्सनल असिस्टेंट यानी कि वारंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट इसमें लाइन मैन फील्ड की है। 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आईटीआई भी किया है इलेक्ट्रॉनिक से, वो एलिजिबल है। साथ ही ब्रिज एंड रोड की पोस्ट है जो कि नायब सूबेदार की रैंक है। अगर आपने 10th पास कर रखा है और आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है सिविल ट्रेड से तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए भी एक पोस्ट रखी गई है। अगर आपने कोई बैचलर इंजीनियरिंग पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। एक प्लम्बर ट्रेडमैन की पोस्ट है, अगर आपने 10th पास कर रखा है और प्लम्बरिंग में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल है। एक रिलीजियस टीचर की भी पोस्ट यहां पर निकली हुई है जो कि रैंक नायब सूबेदार की है। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है संस्कृत से तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपका इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि 18 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाना है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बन के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो असम राइफल के अंदर फिलहाल अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है मिस मत करिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और हां दोस्तों, इसी बीच आपको एक और यूनिक गवर्नमेंट जो वैकेंसी के बारे में बता देता हूं, यह भी फिलहाल निकली हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आरसीआरबी बैंकिंग असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आरसीआरबी मतलब राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू वेरियस कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। यह काफी यूनिक वैकेंसी मुझे लगी, इसलिए मैंने इसी में इस वैकेंसी को भी ऐड कर दिया। देखिए दोस्तों, वैसे तो वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है, सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 684 है, जिसमें बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। लेकिन सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे लगी बैंकिंग असिस्टेंट की, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं मांगा गया है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 साल यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 17 नवंबर 2023 तक होगी। ये पॉइंट मुझे काफी बेहतर लगा कि भाई एज लिमिट इसमें 40 साल तक है जनरल वालों के लिए और ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 17 नवंबर 2023 रखी गई है। तो यार काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, काफी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक
यूनिक वैकेंसी है, मैंने सोचा इसको भी ऐड कर लेते हैं। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5th के बारे में। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस यहां पर बन जाता है। काफी सारे लोगों ने इस वैकेंसी के बारे में तो मुझे सुना भी दिया, मुझे पता नहीं क्यों सुना दिया, जबकि वैकेंसी निकालना ना निकालना मेरे हाथ में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी दिल्ली पुलिस एमटेक सिविलियन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। सभी लोगों को पता है एसएससी के एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस एमटेक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी 10 अक्टूबर को आने वाली थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। और ऐसा होना भी था, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि एसएससी ने जो डेट बताई है वैकेंसीज की, उस डेट पर आजकल वैकेंसी नहीं निकलती, एक डेढ़ महीना लेट हो जाती है। जैसे कि आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की देखा होगा, पहले 1 सितंबर को वैकेंसीज आने वाली थी लेकिन 30 सितंबर को वैकेंसी आई थी। तो सेम केस इस वैकेंसी के साथ हुआ है। 10 अक्टूबर को वैकेंसी आनी तो थी लेकिन एमटीएस की पोस्ट के ऊपर किसी कारण की वजह से वैकेंसी नहीं आई, थोड़ी बहुत डिले हो गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 888 के आसपास आनी थी। तो भाई काफी ज्यादा चांसेस है, काफी ज्यादा क्या 99.9% चांसेस है कि दिल्ली पुलिस के अंदर एमटीएस सिविलियन की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी नवंबर मंथ में आ जाए। ठीक है, कभी भी आपकी आ सकती है, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है लेकिन काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर वैकेंसी ज्यादा डिले होती तो एसएससी अब तक कोई नोटिस डाल देता, और एसएससी ने ऑलरेडी इस वैकेंसी की एग्जाम डेट भी जारी कर रखी है। आपको पता है 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2024 के बीच में वेरियस शिफ्ट में इसका एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो अभी तक एग्जाम डेट में कोई चेंज नहीं है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नवंबर मंथ के अंदर ही आपको दिल्ली पुलिस के अंदर एमटेक सिविलियन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिल जाए। ठीक है, एज लिमिट 18 से 27 साल रहती है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास यहां पर रखी जाती है। एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। बात करते हैं नंबर 6 अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये भी भाई थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इसके बारे में भी तो आपसे थोड़ी सी माफी पहले ही चाहूंगा, लेकिन 99.9% चांसेस है कि ये वैकेंसी भी आपको नवंबर मंथ में ही देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं SBI क्लर्क, यानी कि जिसको आप जूनियर एसोसिएट के नाम से भी जानते हैं। जी हां दोस्तों, SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में बात कर रहा हूं। हर बार ये वैकेंसी सेप्टेंबर मंथ के आसपास निकलती थी लेकिन इस बार ये वैकेंसी अभी तक नहीं निकली, जबकि SBI PO 2023 वाली वैकेंसी ऑलरेडी सेप्टेंबर मंथ में निकल चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है, लेकिन यार क्लर्क की पोस्ट के ऊपर अभी तक वैकेंसी नहीं निकली। तो सभी लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। लास्ट मंथ मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी के चांसेस है कि अक्टूबर मंथ में आ जाए, लेकिन अक्टूबर मंथ में नहीं आई। 5000 प्लस के आसपास वैकेंसीज रहने वाली है। तो भाई एज लिमिट जनरल वालों के लिए 20 से 28 साल के आसपास रखी जाती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 2022 वाली जो क्लर्क की वैकेंसी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है कैंडिडेट्स को। पता नहीं ये वैकेंसी अभी तक क्यों डिले की जा रही है बार बार। तो भाई फाइनली मैं आपको यही कहूंगा कि SBI क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म नवंबर मंथ के अंदर स्टार्ट होने के 99.9% चांसेस हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नवंबर मंथ में केवल यही 5-6 वैकेंसीज आएंगी, और भी काफी सारी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये 5-6 वो वैकेंसीज हैं जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है या फिर जिन वैकेंसीज के आने के पूरे चांसेस हैं। जैसे किसी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलती है, मैं आपको तुरंत सेपरेट वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आप चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पर बने रहिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो मैंने आपको 5-6 वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी। अगर आप किसी भी वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड होंगे, फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। और पहली प्रायोरिटी है आपके खुद को प्रिपेयर रखना। कोई भी वैकेंसी आ जाए, किसी भी टाइप का एग्जाम हो जाए, आपको खुद को प्रिपेयर रखना है। ठीक है, क्योंकि कैसी भी वैकेंसी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।